नमस्कार, मैं हूं पूजा बत्रा। india.com के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। कहीं अनकहीं कार्यक्रम में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं हिंदी सिनेमा के दिवंगत बेहतरीन अभिनेता देवानंद और सुरैया से जुड़ा एक किस्सा। पहले सुरैया ने देवानंद से लिपटकर कहा आई लव यू, फिर अंगूठी उतारकर समंदर में फेंक दी। आखिर क्यों? हिंदी सिनेमा के इस अभिनेता का असल नाम धर्मदेव आनंद था, लेकिन लोग प्यार से उन्हें देव साहब कहते थे। देवानंद एक खूबसूरत हीरो जिन पर लड़कियां जान छिड़कती थी। काला कोट तक पहनना उनके लिए बैन कर दिया गया था ताकि उनकी खूबसूरती पर फिदा होकर कोई लड़की आत्महत्या ना कर ले। लेकिन दुख तो तब हुआ जब वे सुरैया को दिल देकर जिंदगी भर का दर्द मोल ले बैठे। देवानंद की आत्मकथा रोमांसिंग विद लाइफ में उनके इस प्यार का जिक्र किया गया है। देवानंद लिखते हैं, काम करने के दौरान हम दोस्त से गहरे दोस्त हो गए थे और फिर गहरे दोस्त से प्रेमी। सबको पता चल गया, वैसे भी प्रेम कहानी छुपती ही कहां है। एक दिन भी ऐसा नहीं होता जब एक दूसरे से बात किए बिना हम रह जाएं। कभी आमने सामने, कभी फोन पर घंटों बातें होती रहती थी। देवानंद की सुरैया से पहली मुलाकात फिल्म विद्या के सेट पर हुई थी। देवानंद ने अपना परिचय देते हुए कहा था, सब लोग मुझे देव कहते हैं, आप मुझे किस नाम से पुकारना पसंद करेंगी? सुरैया ने भी हंसते हुए जवाब दिया था, देव। देव साहब ने कहा, मुझे सुरैया से प्यार हो गया था, लेकिन एक अड़चन थी, वो थी उनकी नानी। उनकी नानी के बिना घर में पत्ता तक नहीं हिलता था। जैसे कि हर प्रेम कहानी में होता आया है, कोई ना कोई विलन आ ही जाता है। मैं जब भी सुरैया के घर जाता, उन्हें खुशी ना होती, मेरा पहले की तरह स्वागत नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे लोगों का हमारे मिलने को लेकर एतराज बढ़ता जा रहा था, वैसे ही हमारे बीच प्यार की तड़प भी बढ़ती जा रही थी। मुझे सुरैया को देखे बिना चैन नहीं पड़ता, एक एक पल काटना मुश्किल हो गया था। सुरैया के परिवार ने हमारे प्यार पर बंदिशें लगा दी थी, मिलने जुलने पर रोक लगा दी थी। देव साहब ने सिमी ग्रेवाल को दिए एक इंटरव्यू में भी कहा, सुरैया बड़ी एक्ट्रेस थी, हमेशा लोगों से घिरे रहती थी, उससे मिलने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती थी। एक दिन हम चुपके से एक पानी की टंकी के पास मिले और सुरैया ने मुझसे लिपटकर कहा आई लव यू। इसके बाद मेरे पांव जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। मैंने सोच लिया था अब ऐसे नहीं चलेगा। मैंने फौरन सगाई के लिए एक अंगूठी खरीदी और सुरैया के पास गया। मैं सुरैया के प्यार के लिए तड़प रहा था, लेकिन पता नहीं उसे क्या हुआ, उसने मेरी अंगूठी समंदर में फेंक दी। हालांकि ये बात मैंने कभी सुरैया से नहीं पूछी कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। इसके बाद दो प्रेमी अलग हो गए। मजहब की दीवार तले एक बार फिर प्यार दफन हो गया। दोनों ने फिर एक साथ कोई फिल्म नहीं की, ना कभी मिले। सुरैया ने ताउम्र किसी से शादी नहीं की। देव ने अपनी प्रेम कहानी का जिक्र बेहद खूबसूरती से इस किताब में किया है। देवानंद ने लिखा, पहले प्यार का एहसास ही अलग होता है। देव साहब ने एक इंटरव्यू में कहा, आप खुद बताइए, एक लड़का एक लड़की के पास जाता है जिसे वो बेइंतहा प्यार करता है, उससे शादी करना चाहता है, लेकिन जब वो लड़की बेबस होकर आपसे कहती है मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार, मेरी नानी, मेरा धर्म, ये लोग वो लोग, तो आप क्या करेंगे? देव ये बात कहते हुए चुप हो गए, बिल्कुल खामोश, जो अपने आप में एक जवाब था, खामोशी भरा जवाब, जिसे बिना बोले वो समझ रही थी और मैं भी। बस उस दिन मैं फूट फूट कर रोया था, मैं अंदर से टूट गया था। उस दुख के बाद मैंने अपने आप को संभाल लिया था, फिर मैं उससे कभी नहीं मिला। पता चला उसने कभी शादी नहीं की, मैंने एक आध पार्टी में उसे देखा, बस।
लेकिन किसी के जाने से दुनिया कहाँ रुकती है। उन्होंने साल 1954 में फिल्म की शूटिंग के लंच ब्रेक के दौरान अपनी सह कलाकार कल्पना कार्तिक से शादी कर ली थी। शादी के बारे में उन्होंने किसी को भी नहीं बताया। देव के अनुसार शादी बहुत ही निजी फैसला होता है, मैं इसे लोगों के सामने ढिंढोरा नहीं पीटना चाहता था। हमने चुपचाप शादी कर ली थी। शादी के बाद भी सेट पर काम करते रहे, लोगों को इस बात का पता तक नहीं चलने दिया। लेकिन कैमरामैन ने हमारी चोरी पकड़ ली, क्योंकि मोना ने अपनी अंगुली में अंगूठी पहनी हुई थी। लेकिन दोनों की शादी लंबे समय तक नहीं चल सकी। उनके दो बच्चे हुए, सुनील आनंद और देवीना आनंद। देवीना वही नाम था जो देव की शादी से पहले उन्होंने और सुरैया ने अपनी बेटी के लिए सोचा था। देव जिंदगी के उस पड़ाव पर पहुंच गए थे जहां वो जाना चाहते थे। उन्होंने कहा, जिंदगी ये ख्याल है जैसे कि मौत ये ख्याल है। जिंदगी ये ख्याल है जैसे कि मौत ये ख्याल है। न सुख है न दुख है, दीन है न दुनिया। न सुख है न दुख है, दीन है न दुनिया। न इंसान है न भगवान, सिर्फ मैं और सिर्फ मैं। जिंदगी का ये पड़ाव शांति देता है। देव अपनी उम्र के बारे में बात करते हुए कहते थे, वे हमेशा जवान रहेंगे। दुनिया उन्हें रोमांटिक हीरो के रूप में जानती है, लेकिन असल जिंदगी में उनका रोमांस उनकी किताबों से है, विचारों से है जो कभी मरते नहीं। जब तक सांस चली देव काम करते रहे, और 3 दिसंबर 2011 को लंदन में चुपचाप जिंदगी को अलविदा कहकर इस दुनिया से चले गए। तो ये था देवानंद और सुरैया से जुड़ा किस्सा। ऐसे और भी तमाम किस्से हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। आप अपनी प्रतिक्रिया देते रहिएगा। नमस्कार।